like a Hellcat. फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे, हमारा क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ द टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें टेस्ट का मीनिंग ऑफ टेस्ट, ये वाला आंसर हम की वीडियो अपलोड कर दी गई है। अब आता है मेजरमेंट, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मेजरमेंट का हिंदी मीनिंग होता है मापन। मेजरमेंट का हिंदी मीनिंग होता है मापन। इसका कंप्लीट थ्योरी आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड, ये BPS थर्ड ईयर टेस्ट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं या यहीं से आंसर को समझ सकते हैं कैसे क्या लिखना है एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मापन, मापन का अर्थ क्या है? मापन का अर्थ होता है किसी वस्तु को मापना। मापन का अर्थ होता है किसी वस्तु को मापना। शारीरिक शिक्षा तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में विशेष योगदान और महत्व होता है। मापन का शारीरिक शिक्षा तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में विशेष योगदान और महत्व होता है। कोई भी शोध, कोई भी रिसर्च मापन के बिना पूर्ण नहीं होता। ये आप सब लोग भी जानते हैं कि कोई भी रिसर्च मापन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। शोधकर्ता को शोध में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मापन का सहारा लेना पड़ता है। मापन का सही अर्थ होता है किसी वस्तु में पाए जाने वाले गुणों, विशेषताओं आदि को व्यक्त करना। वस्तु के गुणों को मापना ही मापन का मुख्य उद्देश्य होता है। मापन की विधि, मापन की विधि एक प्रशिक्षक मतलब कोच के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। मेजरमेंट जो होता है वो कोच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। समय समय पर अपने कार्य को सही प्रकार से करने के लिए प्रशिक्षक को मापन का सहारा लेना पड़ता है। जिस प्रकार शोधकर्ता को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मापन का सहारा लेना पड़ता है, उसी तरह प्रशिक्षक को भी मापन का सहारा लेना पड़ता है। मापन को छात्रों के संपूर्ण तथ्यों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी प्लेयर होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, उसके संपूर्ण तथ्यों को मापने के लिए प्रशिक्षक मापन का प्रयोग करता है। कुछ मुख्य क्षमताएं जैसे मानसिक क्षमता, खेल ज्ञान क्षमता, व्यवहार, शारीरिक शक्ति, गामक क्षमता, हृदय नाड़ी क्षमता आदि, इस प्रकार छात्र अथवा खिलाड़ी से संबंधित सभी पहलुओं को मापने के बाद ही यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी क्रिया खिलाड़ी को सिखानी है और कौन सी नहीं। प्रशिक्षक यह सब मापने के बाद ही डिसीजन लेता है कि कौन से प्लेयर को कौन सी स्किल सिखानी है और कौन सी नहीं सिखानी है। क्षमताओं के आधार पर प्रशिक्षक छात्रों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकता है। इस प्रकार से वह छात्रों के बड़े समूह को उसकी विशेषताओं तथा क्षमताओं के आधार पर बांट सकता है। आपने देखा होगा कि कोई अगर रिक्रिएशनल गेम है, कभी उसमें ऐसा होता है कि भैया जिसमें पावर वाले कोई भी हो आगे आ जाओ, कम पावर वाले पीछे चले जाओ, ऐसा मतलब उनको विभाजित कर दिया जाता है अलग अलग टीमों में। इस प्रकार से छात्रों को अलग अलग वर्गों में बांटकर प्रशिक्षक अपना कार्य सरल तथा आसान बना सकता है। कोई 5 किलोमीटर रनिंग कर सकता है तो कोई 2 किलोमीटर ही कर सकता है, तो 5 किलोमीटर रनिंग करने वालों को अलग कर दिया जाएगा और जिनसे 2 किलोमीटर रनिंग हो रही हो उनको अलग कर दिया जाएगा। ऐसे मतलब कि इस प्रकार से छात्रों के अलग अलग समूह यानी वर्गों में जो कोच होता है वो बांट देता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में मापन का प्रयोग निम्न तरीके से किया जाता है। फिजिकल एजुकेशन में मेजरमेंट का प्रयोग निम्न तरीकों से किया जाता है। क्या है तरीके देखते हैं। पॉइंट वाइज फर्स्ट आता है, इसके द्वारा
मतलब मापन के द्वारा प्रशिक्षक को अपने छात्रों की शारीरिक क्षमता का पता चलता है। इसके आधार पर उनके लिए कार्यक्रम तैयार करता है जो भी प्रशिक्षक होता है। एक खिलाड़ी में खेल कौशल को जानने के लिए मापन का बहुत सहायक तथा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है, एक समूह के विभिन्न खिलाड़ियों को उसकी क्षमता स्तर के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटने के लिए मापन बहुत आवश्यक होता है। ये मेन पॉइंट है मेजरमेंट के, भैया इनको नोट डाउन करना है। विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो उन्हें उस खेल के लिए उपयुक्त बनाते हैं। मापन के द्वारा खिलाड़ियों की क्षमताओं तथा गुणों को पहचान कर उन्हें उपयुक्त खेल के लिए तैयार किया जा सकता है। उनके जो भी गेम्स की स्किल होती है उनका मेजरमेंट कर लिया जाता है कि हाँ ये इस चीज़ में परफेक्ट है। उसके आधार पर उपयुक्त खेल के लिए तैयार किया जाता है कि ये कौन सा खेल अच्छा खेल सकता है। छात्रों को ज्ञान का स्तर जानने के लिए मापन अहम भूमिका अदा करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मेजरमेंट, मापन, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मापन का अर्थ, इस क्वेश्चन का आंसर। आने वाली अगली वीडियो में आपको इवेल्यूशन ये मतलब मूल्यांकन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। फ्रेंड्स, टेस्ट एंड मीनिंग ऑफ टेस्ट की जो वीडियो है, वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। एंड BPS थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर, टेस्ट एंड मेजरमेंट के एंड अदर सब्जेक्ट के, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।